अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए पैटर्न लेके आई हूँ। बहुत खूबसूरत पैटर्न है। देखिए, फ्रंट साइड से ऐसे दिखाई देता है और बैक से ये ऐसे दिखाई देता है। ये पैटर्न आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली आप अगर शॉल बनाना चाह रहे हैं उसके लिए बेहतरीन है कि दोनों साइड से देखें। इसमें डिज़ाइन है, इस तरफ से भी डिज़ाइन है और इस साइड से भी इसमें डिज़ाइन आ रहा है। ये देखिए, बच्चों किसी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत आसान है, बिगनर लेवल के लोग भी इसको आसानी के साथ बना सकते हैं। चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इस डिज़ाइन के लिए हमें टू के मल्टीपल्स पर घर चाहिए। ठीक है, टू प्लस टू प्लस टू ऐसे करते हुए अपने घर डालें, जितने भी घर आपको चाहिए। ठीक है, देखिए हमारे डिज़ाइन की ये फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो हम क्या करेंगे, ये हमारा एस्टेज है। ठीक है, इसको हम सीधा ही बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, एक घर सीधा, एक उल्टा, धागा पीछे करेंगे, एक सीधा, धागा आगे करेंगे, एक उल्टा। ऐसे करते हुए अपनी ये रो कंप्लीट करनी है। एक सीधा बनाएंगे और एक उल्टा, ऐसे करते हुए हम अपनी ये फर्स्ट रो कंप्लीट कर लेते हैं। देखें हम अपने डिज़ाइन की सेकंड रो पे आ गए हैं। सेकंड रो देखें क्या करेंगे, स्टिच को हम उतार लेंगे। ठीक है, स्टिच उतारने के बाद अब जो घर जैसे दिखाई दे रहा है उसको वैसे ही बनाएंगे। देखिए ये घर सीधा दिखाई दे रहा है, इसको हमने सीधा बना लेना है। ठीक है, और ये घर उल्टा दिखाई दे रहा है, इसको हमने उल्टा बना लेना है। ठीक है, यहाँ से भी एक सीधा और एक उल्टा बनेगा। ठीक है, जो सीधा है उसको सीधा बनाएंगे, जो उल्टा है उसको उल्टा बना लेंगे। ठीक है, एक सीधा और एक उल्टा, ऐसे ही करते हुए हम अपनी सेकंड रो कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे अपनी दो सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। थर्ड रो पे आ गए हैं। थर्ड रो हमारी फर्स्ट रो की तरह बनेगी। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड रो की तरह बनेगी। जो घर जैसे दिखाई दे रहा है उसको वैसे बनाएंगे। देखिए सीधा घर दिखाई दे रहा है, इसको सीधा बनाएंगे। ये घर उल्टा दिखाई दे रहा है, इसको उल्टा बनाएंगे। ठीक है, सीधे घर को सीधा बना लेंगे और उल्टे को उल्टा। ठीक है, एक सीधा और एक उल्टा बनाते जाएंगे, जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड रो बनाई है। ऐसे ही करते हुए अपनी थर्ड रो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने अपनी तीन सिलाइयाँ जो हैं कंप्लीट कर ली हैं। हम अपनी फोर्थ रो पे आ गए हैं। फोर्थ रो में क्या करना है, स्टिच को हम उतार लेंगे। ठीक है, स्टिच उतारने के बाद देखिए क्या करेंगे। ठीक है, एक और दो, दो घर छोड़ने के बाद यहाँ पे देखिए जो एक्स्ट्रा जगह है, ठीक है, यहाँ पे हम धागा डालेंगे। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर अपनी सिलाई डालेंगे और ये देखिए यहाँ से हमने एक एक्स्ट्रा लूप ले लिया। ठीक है, एक्स्ट्रा लूप लेने के बाद इसको देखें हम यहाँ से ऐसे पलट लेंगे और वापस सिलाई पे चढ़ेंगे। ठीक है, अब हमने इन दोनों को बैक से दो का एक कर देना है। ये देखें बैक से दो करने के बाद ये जो हमने एक्स्ट्रा लूप लिया है इसको हमने सिलाई पे देखें ऐसे पकड़ लेना है। ठीक है, और इस सिलाई से इन दोनों को निकाल लेना है। निकाल लेने के बाद इसको हमने दोबारा देखें सिलाई पर चढ़ा देना है और इसको सीधा बना लेना है। ठीक है, एक बार फिर देखिए, सीधा और एक उल्टा दो घर छोड़ के यहाँ से हमने देखा एक एक्स्ट्रा लूप लेना है। एक्स्ट्रा लूप लेने के बाद इसको हमने यूँ पलट लेना है। ठीक है, और बैक से इन दो घरों का एक कर देना है। ये देखिए बैक से दो का एक करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा लूप लिया है इसको हमने इस सिलाई में से पकड़ के इस सिलाई से इन दोनों को निकाल लेना है। ठीक है, और इसको देखिए वापस इस सिलाई पर चढ़ा के इसको हमने सीधा बुन लेना है। ऐसे ही करते हुए हमने फोर्थ रो जो है हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए
ये हमारा स्टिच है, इसको हमने सीधा बना लिया। देखिए यहाँ पे हमने अपनी चार सिलाइयाँ जो हैं वो कंप्लीट कर ली हैं। हम अपनी फिफ्थ रो पे आ गए। फिफ्थ रो में देखिए क्या करेंगे, स्टिच को हम उतार लेंगे। ठीक है, स्टिच उतारने के बाद हमने क्या करना है, देखें ये दो घर हैं, ठीक है, धागा पीछे लेके जाएंगे। अब हमने इन दो घरों में ऐसे सिलाई डालनी है, ठीक है, बैक से सिलाई डालनी है और देखिए दो का एक कर देना है। दो का एक करने के बाद इस सिलाई पे धागा घुमा के वापस लेके जाएंगे, ठीक है, फिर से अगले दो घरों का दो का एक करेंगे, बैक से सिलाई डालेंगे, दो का एक कर देंगे, फिर से सिलाई पे धागा घुमा के आगे ले जाएंगे। ठीक है, हम दो का एक कर रहे हैं, हमारा घर कम हो रहा है, फिर सिलाई पे धागा घुमा रहे से हमारा घर वापस जो है बढ़ रहा है। ये देखिए इन दो घरों को हमने दो का एक कर देना है, सिलाई पे धागा घुमा के वापस से अपने घर दो कर लेने हैं। ठीक है, ऐसे करते हुए हम अपनी फिफ्थ रो जो है वो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान देना है, ठीक है, लास्ट में जो है जो स्टिच से पहले जो देखें ये घर है, यहाँ पर भी हमने ये सिलाई पे धागा जो है घुमा लेना है, ठीक है, और फिर इसको सीधा बनाना है। अगर यहाँ पे हम अपना धागा घुमाना भूल जाते हैं या नहीं घुमाते तो फिर हमारे घर जो है यहाँ पे कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक घर जो है यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, हमने अपनी फिफ्थ रो भी कंप्लीट कर ली, अब हमने सिक्स रो पे हैं। अब सिक्स रो में देखिए क्या करेंगे, स्टिच को हम उतार लेंगे। ठीक है, अब ये देखें धागा पीछे लेके गए, देखिए ये जो घर है, ठीक है, इसको हमने देखे ऐसे सीधे बना लेना है, ठीक है, जो हमने धागा घुमाया था उसको, और इसको हमने उल्टा बना लेना है। देखिए इसको सीधा बनाएंगे, इसको उल्टा, ये देखिए सीधा और ये वाला उल्टा। ऐसे ही करते हुए हम सिक्स थ्रो जो है वो कंप्लीट करते जाएंगे। देखिए ये देखिए यहाँ पे मैंने अपनी छह सिलाइयाँ जो हैं वो कंप्लीट कर ली हैं। ये देखिए ये बैक साइड है और ये इसका फ्रंट है। ये देखें इन छह सिलाइयों को बार बार रिपीट करते जाएंगे, देखिए हमारा पैटर्न जो है वो ऐसे बनकर आता जाएगा। बहुत इजी पैटर्न है, सिर्फ छह सिलाइयों का ये पैटर्न है, इन छह सिलाइयों को बार बार आपने रिपीट करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट्स में भी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।